वायरिंग के प्रतीक। वायरिंग के प्रतीक इस प्रकार दिखते हैं। विद्युत धारा या करंट के प्रकार के अनुसार पहला आता है डीसी, जिसका प्रतीक है, फिर एसी, जिसका प्रतीक है, पावर फ्रीक्वेंसी का प्रतीक है। एसी या डीसी दोनों के लिए उपयुक्त औजार और मशीनों का यूनिवर्सल प्रतीक है। बिजली का वितरण के अनुरूप अन्य प्रतीक हैं। एसी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज के लिए, एसी थ्री फेज 50 हर्ट्ज के लिए, एसी थ्री फेज 50 हर्ट्ज और 415 वोल्ट के लिए, एसी थ्री फेज न्यूट्रल के साथ 50 हर्ट्ज का चिन्ह है, एसी थ्री फेज न्यूट्रल के साथ 50 हर्ट्ज और 415 वोल्ट का प्रतीक है, डीसी दो कंडक्टर 110 वोल्ट के लिए, पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए, नेगेटिव पोलैरिटी के लिए, पारेषण या वितरण लाइनों के अनुरूप आने वाले प्रतीक के अंतर्गत हम पहले जानेंगे मौजूदा लाइन या केबल का प्रतीक। योजना के तहत लाइन या केबल का प्रतीक है भूमिगत केबल के लिए व ओवरहेड लाइन का प्रतीक है। अन्य प्रकार के कंडक्टर प्रतीक में पहले आता है फ्लेक्सिबल कंडक्टर, जिसका प्रतीक है कंडक्टर की एन संख्यों या सिंगल लाइन प्रस्तुति का प्रतीक है। उदाहरण के तौर पर चार कंडक्टर के लिए प्रतीक होगा कंडक्टर की द संख्या या मल्टी लाइन प्रस्तुति का प्रतीक होता है, जिसमें चार कंडक्टर लगे हैं। थ्री फेज सर्किट 50 हर्ट्ज 6 किलोवाट 50 मिलीमीटर स्क्वायर के तीन कंडक्टर के अनुरूप प्रतीक होगा। सिंगल लाइन प्रतिनिधित्व के साथ अदल बदल का प्रतीक होगा। डीसी सर्किट 110 वोल्ट एल्यूमिनियम के 125 मिलीमीटर स्क्वायर के दो कंडक्टर का प्रतीक होगा व एन कंडक्टरों का समूह जो चित्र पर एक ही तरीके का पालन करते हों, इस चिन्ह से जाने जाते हैं। कंडक्टर के कनेक्शन के अनुसार भी अलग चिन्ह होते हैं। कंडक्टर के जंक्शन का प्रतीक है कंडक्टर के डबल जंक्शन का प्रतीक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग का चिन्ह है कंडक्टरों की क्रॉसिंग और जोड़ने के लिए। सिंगल लाइन निरूपण का प्रतीक इस तरह दिखता है व मल्टी लाइन निरूपण का प्रतीक इस तरह दिखता है। सर्किट के एलिमेंट के अनुरूप उनके चिन्ह जानेंगे। इसमें पहले आता है गैर प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध, जिसका चिन्ह है इम्पीडेंस या प्रतिबाधा का प्रतीक है। इंडक्टेंस का प्रतीक है, कैपेसिटेंस का प्रतीक है, वाइंडिंग का प्रतीक है, अर्थिंग का प्रतीक है, फॉल्ट का प्रतीक है, ढके गए कंडक्टर या ढके गए केबल का प्रतीक है, चुंबकीय कोर का प्रतीक है व लैमिनेटेड कोर का प्रतीक है। परिवर्तनशील प्रतिरोधों के अंतर्गत पहले आते हैं सामान्य प्रतीक, जिनका चिन्ह है लगातार परिवर्तनशील, जिनका चिन्ह है चरणों में परिवर्तनशील होने का चिन्ह है। गतिशील संपर्क के साथ सामान्य प्रतीक होता है लगातार परिवर्तनशील गतिशील संपर्क के साथ का चिन्ह। गतिशील संपर्क के साथ चरणों में परिवर्तनशील होने का चिन्ह। गतिशील संपर्क के साथ वोल्टेज विभाजक का चिन्ह होता है। घूर्ण मशीनों के अंतर्गत यांत्रिक रूप के युग्मित मशीनों का चिन्ह। डीसी दो तार सीरीज मोटर का प्रतीक है। डीसी दो तार अलग से एक्साइटेड जनरेटर का प्रतीक है। डीसी दो तार शंट मोटर का प्रतीक है।
डीसी दो तार कंपाउंड एक्साइटेड शॉर्ट शंट जनरेटर का प्रतीक है? डीसी दो तार कंपाउंड एक्साइटेड शॉर्ट शंट जनरेटर 240 वोल्ट 30 किलोवाट का प्रतीक है? एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर का प्रतीक है? एसी तीन फेज सीरीज मोटर का प्रतीक है? सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर का प्रतीक है? थ्री फेज स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल बाहर नहीं लाया गया सिंक्रोनस जनरेटर का प्रतीक है? थ्री फेज स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल बाहर लगाया गया सिंक्रोनस जनरेटर का प्रतीक है? स्क्विरल केज सिंगल फेज स्प्लिट फेज की लीड बाहर निकाला गया प्रेरण मोटर का प्रतीक है? इंडक्शन मोटर स्क्विरल केज थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड का प्रतीक है? थ्री फेज सक्रील केज प्रत्येक फेज का दोनों लीड बाहर निकाला गया इंडक्शन मोटर का प्रतीक है? व थ्री फेज वाउंड मोटर इंडक्शन मोटर का प्रतीक है? विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंतर्गत पहले आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग के साथ 11 किलोवाट 415 वोल्ट 250 किलोवाट 50 हर्ट्ज जिसमें 4% की शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है। इसका सिंगल लाइन प्रतिनिधित्व व मल्टी लाइन प्रतिनिधित्व है। अगला है थ्री फेज ट्रांसफार्मर दो अलग अलग वाइंडिंग या स्टार के साथ 66 किलोवोल्ट या 11 केवी डेल्टा 4 मेगावोल्ट 50 हर्ट्ज कनेक्शन वाईडी 11 से शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 7-5%। इसका सिंगल लाइन प्रतीक है व मल्टी लाइन प्रतीक है। सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन प्रतीक है व मल्टी लाइन प्रतीक है। तीन फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन प्रतीक है व मल्टी लाइन प्रतीक है। सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन प्रतीक है व मल्टी लाइन प्रतीक है। अब स्विच सर्किट ब्रेकर और लिंक स्विच के चिन्हों के बारे में जानेंगे। इसमें सामान्य का प्रतीक है, टू वे का प्रतीक है, मध्यवर्ती का प्रतीक है, तीन पोल स्विच मल्टी लाइन निरूपण का प्रतीक है, तीन गोल स्विच सिंगल लाइन निरूपण का प्रतीक है, सर्किट ब्रेकर का प्रतीक है, आइसोलेटर का प्रतीक है, टर्मिनल पट्टी का प्रतीक है, लिंक का प्रतीक है, ओपन लिंक का प्रतीक है व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्यूबिकल बॉक्स का प्रतीक है। कॉन्टैक्ट के यंत्रों के अंतर्गत पहले आता है सॉकेट, इसका चिन्ह है, प्लग का चिन्ह है, प्लग और सॉकेट का प्रतीक है, रिले या कनेक्टर कनेक्ट्स जो सामान्य रूप से खुला हो का प्रतीक है, रिले या कनेक्टर कनेक्ट्स जो सामान्य रूप से बंद हो का प्रतीक है, थर्मल ओवरलोड रिले कनेक्टेड का प्रतीक है। सॉकेट आउटलेट के अनुरूप पहले आता है 5 एम्पियर वाला सॉकेट आउटलेट, फिर 15 एम्पियर वाला सॉकेट आउटलेट व अंत में 5 एम्पियर का संयुक्त स्विच और सॉकेट आउटलेट। रिले और कनेक्टर्स के अनुरूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या कनेक्टर की क्वाइल का चिन्ह है, थर्मल ओवरलोड रिले का चिन्ह है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तीन पोल कनेक्टर का चिन्ह है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तीन पोल कनेक्टर सभी तीनों पोल में थर्मल ओवरलोड डिवाइस के साथ का प्रतीक है व टाइम डिले रिले का प्रतीक है। फ्यूज बोर्ड के अंतर्गत मेन फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना इस तरह से चिन्हित किया जाता है। मेन फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ इस तरह से चिन्हित किया जाता है।
डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना इस तरह से चिन्हित किया जाता है व डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ इस तरह से चिन्हित किया जाता है। स्विच आउटलेट के लिए सिंगल पोल वन वे स्विच को इस प्रकार, दो पोल वन वे स्विच को इस प्रकार व तीन पोल वन वे स्विच को इस प्रकार चिन्हित किया जाता है। टू वे स्विच का प्रतीक है, इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक है, पुश बटन या बेल पुश का प्रतीक है, फ्यूज बोर्ड के अंतर्गत लैंप या लैंप के लिए आउटलेट का प्रतीक है, 340 वॉट लैंप का समूह को इस प्रकार चिन्हित किया जाता है, दीवार या लाइट ब्रैकेट पर स्थापित लैंप का प्रतीक है, छत पर स्थापित लैंप का प्रतीक है, 340 वॉट फ्लोरोसेंट लैंप का समूह इस प्रकार चिन्हित किया जाता है व फ्लोरोसेंट लैंप का चिन्ह है। पंखा दिखाने के लिए सीलिंग फैन का प्रतीक है, ब्रैकेट फैन का प्रतीक है, एग्जॉस्ट फैन का प्रतीक है व फैन रेगुलेटर का प्रतीक है। घरेलू उपकरण चिन्हित करने के लिए फ्यूज का प्रतीक है, सिंगल लैंप का प्रतीक है, इंडक्टर का प्रतीक है, हॉर्न का प्रतीक है, घंटी का प्रतीक है, बजर का प्रतीक है, सायरन का प्रतीक है, हीटर का प्रतीक है व संग्रह प्रकार इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का प्रतीक है।